पेचीदा मेरे से आजकल मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू में काफ़ी रैंडमनेस आ गई हैं, तो वो जानबूझ के ऐसा कर देते हैं कि आप वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता था या क्या है, तो वो कुछ भी पूछने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे से ये पूछने लग गए थे कि सबसे पहले गंगा नदी से मछली क्यों ऊपर आया, फिर वो बोलते कि मछली कैसे बनाते हैं, तो फिर वो मेरे से पूरा रेसिपी पूछने लग गए, जबकि मेरे कहीं प्रोफाइल में ऐसा कुकिंग ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। मेरे से एक एक चीज़ फिर पूछने लग गया, क्या क्या डलता है। क्या आप जानते हैं यूपीएससी इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इंटरव्यू पैनल आपकी सोच को चुनौती देते हैं। यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षा में इंटरव्यू उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितने की लिखित परीक्षा। इंटरव्यू में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि आपकी सोचने की क्षमता और तर्क वितर्क की गहराइयों को भी परखा जाता है। जैसे भागलपुर के राहुल राज से गंगा नदी और उसके किनारे बसे संस्कृति के बदलावों पर सवाल पूछा गया था। इससे उनकी सामाजिक समझ का पता चलता है। एक और दिलचस्प सवाल था मछली बनाने की रेसिपी के बारे में, जिससे उनकी रोजमर्रा की जानकारी का पता चला। मेरे से क्योंकि मैं भागलपुर से हूँ, तो गंगा नदी के बारे में बहुत सवाल पूछा गया था कि क्यों इतना पॉल्यूटेड है और कैसे गंगा नदी जो है कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। तो हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जो भी तरह तरह के लोग रहते हैं, उनमें क्या गंगा रिवर का क्या इम्पैक्ट रहा है, क्यों वो उस तरीके के हैं या कल्चर उनका ऐसा क्यों है। मेरे से ये पूछने लग गए थे कि सबसे पहले गंगा नदी से मछली क्यों ऊपर आया, फिर वो बोलते कि मछली कैसे बनाते हैं, तो फिर वो मेरे से पूरा रेसिपी पूछने लग गए, जबकि मेरे कहीं प्रोफाइल में ऐसा कुकिंग ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। मेरे से एक एक चीज़ फिर पूछने लग गया, क्या क्या डलता है, ये है वो है, फिर उसके बाद कौन सा चावल खाते हो, चावल कैसे उगता है, क्या रेट चल रहा है मार्केट में, फिर चावल के साथ पानी पीते हो, फिर कोल्ड ड्रिंक पे आए, फिर कोल्ड ड्रिंक में क्या कैलोरी होती है। तो वो मतलब वो चेन ऑफ थॉट्स के थ्रू ही क्वेश्चंस होते हैं, तो काफ़ी रैंडम हो जाता है चीज़ें। और इसके अलावा मेरे से क्वेश्चंस इस तरीके से थे कि आपका सब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा फॉरेस्ट्री में, या आपने जो जॉब किया है उसका कैसे आप यूज़ कर पाएंगे फॉरेस्ट्री में। फिर एक पजल सवाल भी था जिसमें राहुल से पूछा गया कि अगर वह कहीं फंस जाए तो कौन सी दो चीजें चुनेंगे। यही सवाल उनकी प्राथमिकताओं और संकट में निर्णय लेने की क्षमताओं को दर्शाता है। फॉरेस्ट से रिलेटेड एक मेरे से पजल पूछा गया था कि अगर आप जो है किसी डेजर्ट में फंस गए हैं और आपको ये पांच चीज में से दो चीज चूज करना है, तो आप क्या चूज करेंगे। और वो पांच चीज था मिरर, एक मैप, नाइफ, वाटर बॉटल और टॉर्च। तो ये पांच चीज में से आप दो चीज क्या चूज करेंगे। तो मेरा थोड़ा सा आंसर वैसा था कि हम परमिशन लेके बोले थे कि क्या हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चाकू को एलिमिनेट किया कि चाकू मतलब वहाँ पे बहुत सारे थॉर्न और बुशेस रहते हैं जिसको हम चाकू की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को एलिमिनेट किया। फिर मैप को एलिमिनेट किया मैंने कि मैप का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आकाश और विंड का डायरेक्शन से बहुत सारे चीज़ को पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद पानी को बोले कि हाँ पानी तो ज़रूरत होगा कि हमें पता नहीं है कितने दिन तक फंसेंगे क्या रहेगा, तो पानी तो ज़रूरत है। और फिर टॉर्च और मिरर में फिर पेंच फंस गया था, तो हम उस समय हमको लगा कि अगर मूव करना है तो रात में ही मूव करेंगे और रात में मूव करने के लिए टॉर्च का ज़रूरत होगा। तो मेरा जवाब वैसा था उस टाइम, लेकिन बाद में समझ में आया कि मिरर का भी एक अपना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी काम हो सकता था, वो बाद में हमको क्लिक किया। तो पजल थोड़ा इस तरीके का था, तो मैंने दो चीज़ वो टॉर्च और वो बोला था। राहुल के अनुसार सफलता की कुंजी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने आत्मविश्वास पर काम किया तब जाकर वह सफल हो पाए। इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास और स्पष्टता आपकी अन्य प्रतियोगियों से अलग करती है। मैंने दो चीज वो टॉर्च और वो बोला था, वाटर बॉटल। और कोई सवाल जो पेचीदा सवाल हो आपके लिए? पेचीदा मेरे से आजकल मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू में काफ़ी रैंडमनेस आ गई हैं, तो वो जानबूझ के ऐसा कर देते हैं कि आप वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता था या क्या है, तो वो कुछ भी पूछने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे से ये पूछने लग गए थे कि सबसे पहले गंगा नदी से मछली क्यों ऊपर आया, फिर वो बोलते कि मछली कैसे बनाते हैं, तो फिर वो मेरे से पूरा रेसिपी पूछने लग गए, जबकि मेरे कहीं प्रोफाइल में ऐसा कुकिंग ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। मेरे से एक एक चीज़ फिर पूछने लग गया, क्या क्या डलता है, ये है वो है, फिर उसके बाद कौन सा चावल खाते हो, चावल कैसे उगता है,
क्या रेट चल रहा है मार्केट में, फिर चावल के साथ पानी पीते हो, फिर कोल्ड ड्रिंक पे आए, फिर कोल्ड ड्रिंक में क्या कैलोरी होती है, तो वो मतलब वो चेन ऑफ थॉट्स के थ्रू ही क्वेश्चंस होते हैं, तो काफ़ी रैंडम हो जाता है चीज़ें। और इसके अलावा मेरे से क्वेश्चंस इस तरीके से थे कि आपका सब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा फॉरेस्ट्री में, या आपने जो जॉब किया है उसका कैसे आप यूज़ कर पाएंगे फॉरेस्ट्री में, तो इस इन सब चीज़ों से रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन था कि एक पॉपुलर ट्री का प्रमोशन हो रहा है बिहार में, तो वो स्कीम का क्या ये चीज़ है, तो ये सब मोटा मोटी इस तरीके का था हमारा इंटरव्यू। तो अगली बार जब आप यूपीएससी और बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए जाएं, तो याद रखें कि तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और हर तरह के सवालों का सामना करने के लिए तैयार रहें। लोकल 18 भागलपुर से सत्यम कुमार की रिपोर्ट।